का दरवाजा बहुत नजदीक आता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में न बचना चाहिए न बच सकता है। अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने के तो महारत ही है। इनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा 2025 जनवरी तक चलेगी। अरविंद केजरीवाल जी इस समय चारों तरफ से घिर चुके हैं। भ्रष्टाचार के ऐसे आरोप हैं कि ईडी की 4 नोटिस जा चुकी है, उसके बाद भी वो सवालों का जवाब देने के लिए उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जेल का दरवाजा बहुत नजदीक आता जा रहा है अरविंद केजरीवाल जी के लिए, क्योंकि भ्रष्टाचारी किसी भी हाल में न बचना चाहिए न बच सकता है। अब दिल्ली की जनता भी, चाहे वो साफ पानी के लिए हो, टूटी फूटी गलियों के निवारण के लिए हो, जल जमाव के लिए हो, पोल्यूशन के लिए हो, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। जवाब कुछ है नहीं, काम करना जानते नहीं, तो ऐसे में अब सहानुभूति और भ्रम कैसे ला पाएंगे? तो उसके लिए एक और झूठ बोल रहे हैं। और अरविंद केजरीवाल जी झूठ बोलने के तो महारत ही हैं। वो अपने बच्चों की जो झूठी कसम खा सकता है, वो ऐसी झूठ बोल सकता है? जहां तक रही इनके विधायकों की, उनके सरकार की, इनकी सरकार अब है ही कितने दिन की? इनकी सरकार ज्यादा से ज्यादा 2025 जनवरी तक चलेगी, उसके बाद तो दिल्ली की जनता इनको ऐसे निकाल करके फेंकेगी कि पूरे देश के राजनीतिक इतिहास में सिर्फ यही सुना जाएगा कि एक थी आम आदमी पार्टी।